हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन बाबा में। तो दोस्तों, आज आपके लिए लेके आए हैं फिजिक्स के कुछ VVI क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में काम आ सकती है और वो कुछ हेल्प भी कर सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर कोई ऐसी वीडियो चाहिए जो आपके लिए स्पेशल हो तो आप उसे कमेंट करके बता दें ताकि हम लोग वो वीडियो बना के अपलोड कर सकें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही और सारी वीडियो चाहिए अपने एग्जाम से रिलेटेड, अपने जॉब वैकेंसी से रिलेटेड और भी बहुत सारी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड न्यूज़, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको अगर ये फिजिक्स का हिंदी में अगर आपको वीडियो देखना है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके आप सिंपली इंग्लिश वाले में जा सकते हैं। तो इस वीडियो को दो मीडियम में बनाया गया है, हिंदी और इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं VVI क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आ सकती है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, ये है कुछ क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकती है। यहाँ पे देख रहे होंगे लिखा है सब्जेक्ट फिजिक्स, और यहाँ पे है फर्स्ट क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र ई और क्षेत्र के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर V के संबंध को स्थापित करें। ये VVI क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो तुम दोस्तों, आप लोग इसे तैयार अच्छा से कर ले। और सेकंड है महत्तम शक्ति प्रमेय को प्रमाणित करें। दोस्तों, इसका आंसर इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आंसर नहीं दे पा रहे हैं। आप लोग खुद से बुक से तैयारी कर ले, बेहतर होगा आपको। आप एग्जाम भी आने वाला है तो आप लोग खुद से तैयारी करें। आपको क्वेश्चन मिल रहा है, क्वेश्चन आप लीजिए और आंसर आप खुद से बुक से तैयार कीजिए। खुद खुद का आंसर होगा अच्छा होगा, अपना आंसर अच्छा होता है। और थर्ड क्वेश्चन देखिए, धारा घनत्व तो और अपवाह ड्रिफ्ट वेग का संबंध स्थापित करें। धारा घनत्व तो एवं अपवाह ड्रिफ्ट वेग का संबंध स्थापित करें। और चौथा क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंगे की चार विशेषताएं लिखे। विद्युत चुंबकीय तरंगे की चार विशेषताएं लिखे। तो इसकी विद्युत चुंबकीय तरंगे का चार विशेषता लिखना है इस वीडियो में, मतलब इसमें इस क्वेश्चन में। और पांचवा है आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक समीकरण को प्रमाणित करें, मतलब आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक समीकरण को आपको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। चलते हैं छठा क्वेश्चन की ओर जो आपके बोर्ड एग्जाम में इम्पोर्टेंट हो। तो छठा क्वेश्चन आप देख रहे होंगे नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा की गणना विशिष्ट बंधन ऊर्जा के पदों में करें। नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा की गणना विशिष्ट बंधन ऊर्जा के पदों में से करें। अगर आपको इंग्लिश में देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप जा सकते हैं, अगर हिंदी में देखनी है तो इस वीडियो को देखते रहें। ट्रांजिस्टर के तीन विन्यासों में से कौन सा सबसे अधिक उपयोग में लाया जाता है, इसका कारण क्या है? ट्रांजिस्टर के तीन विन्यासों में से कौन सा सबसे अधिक उपयोगों में लाया जाता है, इसका तीन कारण क्या है? और आठवां क्वेश्चन है बाहक तरंग से क्या तात्पर्य है, बाहक तरंग से क्या तात्पर्य है? ये VVI क्वेश्चन है, आप इसे अच्छा से तैयार कर ले। ये आपका 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, तो इसका डिटेल में थोड़ा सा याद कर ले। और 9 नंबर क्वेश्चन है विभव मापी से क्या तात्पर्य है, विभव मापी से क्या तात्पर्य है? और 10 नंबर लास्ट क्वेश्चन है संधारित्र से क्या तात्पर्य है? ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसे अच्छा से तैयार कर लें। और दोस्तों, अगर और भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और वैसे केमिस्ट्री फिजिक्स और भी बहुत सारे पार्ट इस चैनल पे अपलोड है, आप वहां से जाके आप चैनल में जाके आप देख सकते हैं। तो बाय बाय दोस्तों।